आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल। डेटा को एनालाइज, समराइज और रिप्रेजेंट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल के जरिए हम अच्छी खासी रिपोर्ट्स वगैरह भी बना लेते हैं, तो पिवट टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पिवट टेबल के साथ अगर चार्ट्स की नॉलेज हो गई आपकी, तो आप जो है अच्छे खासे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो अच्छे खासे रिपोर्ट मतलब किस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं, तो मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जो कि पिवट टेबल से बना है। रिपोर्ट दिख रहा है, ये पिवट टेबल से बना हुआ। यहाँ सपोर्ट शीट पे देखेंगे सब जगह पे पिवट टेबल लगा है, और पिवट टेबल को हमने इस तरह की विजुलाइजेशन में विजुलाइज किया हुआ। ओके, तो इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं कि पिवट के साथ साथ थोड़ी सी चार्ट्स भी आनी चाहिए। तो इस क्लास में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, पिवट टेबल के बारे में। तो पहले डेटा को समझते हैं, डेटा क्या है। तो बेसिकली जो मेरा डेटा है, ये डेटा सेल्स का डेटा है कि किस स्टोर में कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कितने रेवेन्यू के साथ किस डेट को सेल हुआ। और ये तकरीबन 2 साल का डेटा है हर दिन का। अब मुझे इस पे चली रिपोर्ट्स निकालनी है, तो कैसे रिपोर्ट्स निकाले, बस मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि किस स्टोर में हमने कितनी क्वांटिटी और कितना रेवेन्यू सेल किया है। ठीक है, तो डेटा को सिलेक्ट करते हैं या बिना सिलेक्ट किए भी डेटा को पिवट लगा सकते हैं। पिवट टेबल पे जाइए और जस्ट ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे, एक नई शीट के अंदर इस तरह का विंडो आएगा, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं पिवट एरिया या रिपोर्ट एरिया। यहाँ आपके सारे हेडिंग्स होते हैं, जो डेटा में हेडिंग्स थे वो सारे हेडिंग यहाँ पे आपको दिखेंगे। इस चीज से पता चलता है कि डेटा में कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर हेडिंग ब्लैंक है तो प्रॉब्लम है, कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अब यहां हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किस स्टोर ने। तो हम स्टोर वाले फील्ड को उठाना है और ये रो सेक्शन में रख देना है। रो का मतलब है कि आप जो लिस्ट चाहते हैं वो टॉप टू बॉटम चाहते हैं। कॉलम का मतलब है कि रिपोर्ट आप लेफ्ट टू राइट इस तरह से चाहते हैं। जैसे मैं रो में रखा, सारे स्टोर इस तरह से सिक्वेंसली आ गए रो में। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि मेरे डेटा में जो रो है, जो स्टोर है, कई बार रिपीटेड है, बट मुझे पिवट लिस्ट में एक स्टोर एक बार दिखा। अब मुझे क्वांटिटी का टोटल और रेवेन्यू का टोटल चाहिए, तो क्वांटिटी को उठा के मैंने वैल्यू में रखा और रेवेन्यू को उठा के वैल्यू में रखा। क्यों, इसलिए रखा क्योंकि हमें इस पे कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन। बाय डिफॉल्ट सम है, इस पे जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में। तो यहाँ आप देखेंगे कि आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम सब आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि मैं अगर रेवेन्यू नहीं डाला था तो कॉलम हमारा खाली था, लेकिन जैसे रेवेन्यू को डाला कॉलम में वैल्यू आ गया। इससे पता चलता है कि हमारी जो वैल्यू है कॉलम वाइज हो। हम इस वैल्यू को उठा के रो में भी रख सकते हैं। रो में रखेंगे तो इस तरह से आएगा कि स्टोर उसका क्वांटिटी रेवेन्यू, स्टोर क्वांटिटी रेवेन्यू, इस तरह से आएगा। तो आपको अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए तो उठा के आप कॉलम में रखें। बाई डिफॉल्ट कॉलम में आता है, बट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब आपके सामने जो रिपोर्ट बन के आया, उसको आप अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि रो हेडिंग है, इसको मैं रख देता हूँ स्टोर। उसके बाद यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है ना, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप लोग करते हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई चार्ट्स वगैरह चाहते हैं तो चार्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन ठीक है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा चार्ट्स जब ले तो उसमें मल्टीपल कॉलम नहीं होना चाहिए। देखिए मल्टीपल कॉलम है ना, तो इसमें दिक्कत क्या होगा बताता हूँ आपको। मैं चार्ट अगर मान लीजिए कॉलम चार्ट लगाता हूँ तो दिक्कत क्या होगा। कॉलम चार्ट में देखिए क्वांटिटी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्वांटिटी, क्यों नहीं, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा रेवेन्यूज का जो है बहुत बड़ा है,
अमाउंट जो है रेवेन्यू बहुत का बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले मेरा बहुत जो क्वांटिटी है बहुत छोटा है, इस कारण से उसकी कंपेयरिंग बहुत छोटी पड़ गई, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि किसी एक सीरीज पे राइट क्लिक करें और चेंज सीरीज चार्ट डेटा टाइप, दिख रहा है, यहाँ पे चले जाए तो नीचे यहाँ जो जो आपने ऐड किया है चार्ट में वो लिस्ट दिखेगा, टोटल सिटी टोटल रेवेन्यू। इसमें आपका जो नहीं दिख रहा है, मेरा किसका नहीं दिख रहा है, मेरा क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, तो क्वांटिटी के सामने दिख रहा है सेकेंडरी एक्सिस, दिखा, सेकेंडरी एक्सिस में करने के बाद आपका जो है दिख जाए। बट इसमें ध्यान रखिए, जब सेकेंडरी एक्सिस करते हैं तो एक को चेंज कर लीजिए, जैसे मैं क्वांटिटी को फॉलो इसमें लाइन चार्ट में कर लिया, वरना वो ओवरराइट हो जाता है, पीछे चला जाता है। देखिए अभी दिख रहा है ना, इससे पहले जो कॉलम वाला हाँ था तो इस तरह से ओवरराइट था, हाँ लेकिन जैसे लाइन किया यहाँ दिख गया। तो इसने क्या हुआ हाँ कि इसने लाइन के लिए मतलब क्वांटिटी के लिए एक अलग एक्सेस दे दिया। अब डेटा में दो एक्सेस हो गए, चार्ट में दो एक्सेस हो गए, पहला एक्सेस किसका हो गया? सीरीज का, दूसरा एक्सेस है कॉलम का। तो कॉलम आप पहले का। तो चार्ट हेलो। वाइट करें, मतलब हाँ दो फील्ड पे लगा के लगाना, चार्ट वाइट करें पहला, ये फिर वाला, हाँ अगला। ये वाला नहीं बताया था सर, मुझे याद है। हाँ इस तरह से चार्ट का ही नहीं कि कॉलम के साथ, रो के साथ कॉलम का भी। तो क्या है ना मैम, आप टेप रिकॉर्डर तो हूं नहीं कि सेम चीज बार बार रिपीट होके बजूंगा, कुछ ना कुछ नया तो होगा ना, नहीं, दिमाग में आइडिया मुझे सा याद है होगा ना, तो। चार्ट उस समय सिर्फ चार्ट आपने सिंपल बताया था कि सेलेक्ट कर लो और तो चार्ट बन जाए। हो सकता है मेरे दिमाग में वो आइडिया ना आया होगा, अभी आइडिया आ गया। हो सकता है उसमें मैं दो फील्ड ना रखा हो, एक फील्ड रखा हो, इसलिए जरूरत में हाँ, पड़ी है, एक फिल ही रखे थे सर, जरूरत यू नहीं आर है एक फील्ड राइट। पे। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करा सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, पिवट अपना साथ अपना डेटा अपने साथ सेव कर लेता है, मतलब मैं इसको राइट क्लिक करूँ और करूँ मूव एंड कॉपी और चला जाओ न्यू बुक पे एंड क्रिएट कॉपी या मूव ही कर दूँ डायरेक्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका पिवट वर्क कर रहा है, समझे। ये फाइल मैं आपको मेल कर देता हूँ, फिर भी ये पिवट वर्क करेगा बट अपडेट नहीं होगा, क्यों? कि अपडेट होते समय इसको फाइल मिलेगी नहीं, इसलिए डेटा को अपडेट नहीं करेगा। अब अपडेट अच्छा। करेंगे क्यों? देखिए अपडेट करने के पीछे रीजन होता है कि जब हम डेटा में कुछ चेंजिंग करते हैं ना, वो पिवट में डायरेक्ट अपडेट नहीं होता, उसके लिए पीवर्ड पे जाके राइट क्लिक करके हमें रिफ्रेश करना होता है। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने अच्छा। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज मैंने क्वांटिटी का टोटल निकाला हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट वन है 300076, मान लीजिए प्रोडक्ट वन में हमारा पीआरसी वन कहाँ गया, यार पीआरसी वन इसमें 70 के जगह पे 170 कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका पिवट में वही है 300076 ही है, अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट कब होगा? जब इस पर राइट क्लिक करें कीजिएगा रिफ्रेश, अब अपडेट हो गया। लेकिन ध्यान रखिए डेटा के अंदर चेंजिंग करते हैं तब, अगर कोई नई डेटा नीचे एंट्री करते हैं तो पिवट पे जाके आपको एरिया रिफ्रेश कर, नया से एरिया सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे चेंज सोर्स टाइप में जाए, दोबारा से डेटा को अच्छा, सिलेक्ट करना हो, अच्छा ये भी नहीं बताया था सर। ठीक है। तो इस तरह से हम अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं, कैलकुलेशन की काउंट चाहिए तो आपका काउंट आ हाँ, जाएगा, एवरेज और ये सारा। हाँ एवरेज ये तो चाहिए एवरेज आ सही। जाएगा, मैक्सिमम चाहिए मैक्सिमम आ जाएगा, जो कैलकुलेशन लेना चाहे वो कैलकुलेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि दो फील्ड को कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टोर को मैंने रख दिया प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के नीचे रख दिया, तो हर प्रोडक्ट का किस स्टोर में डेटा दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है सर। पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के प्लस माइनस इंसान किया, देखिए इसको बोलते हैं कोलैप्स और एक्सपेंड। जैसे मैं डिजाइन में जाऊं और ये देखिए आपका, ये आपका कोलैप्स है, ये आपका एक्सपेंड, कोलैप्स एक्सपेंड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब बहुत सारे फील्ड रखेंगे तो कंफ्यूजन होगी ना, जैसे तीन चार फील्ड अगर मैं रख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, देखने में डेटा काफी बराबर दिखेगा। तो आप इस तरह से दे सकते हैं, बंदा इस पर क्लिक करे, क्लिक करके अपना रिपोर्ट देख ले।
वापस बंद कर। लेकिन ये कब होगा, जब आप पिवट के जरिए ही डेटा भेजें। लेकिन कई केसेस में हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं, फिर उस पर अपनी कैलकुलेशन करते हैं, और सारे बहुत सारे कैलकुलेशन जो पिवट में पॉसिबल नहीं है, और फिर भेजते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कौन सा स्टोर है और कौन सा प्रोडक्ट है पता ही नहीं चल रहा है। चल रहा है पता? मैं चाहता हूँ कि पिवट में ऐसा कुछ बने कि पहले सेल में प्रोडक्ट, दूसरे सेल में आ जाए स्टोर, और तीसरे सेल में मेरी क्वांटिटी है। तो इसके लिए आप जाना होगा डिजाइन में, और ये देखिए लेआउट दिखेगा, रिपोर्ट लेआउट। इसमें थर्ड नंबर का दिखेगा टेबलर फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका रिपोर्ट अलग अलग कॉलम में आ जाए। लेकिन सबके नीचे यहाँ सब टोटल दिख रहा है, दिख रहा है सब टोटल? आपको रखना है तो अच्छा बात है, नहीं रखना है तो आप इस पर राइट क्लिक करो, और ये देखिए सब टोटल का अगर टिक का निशान लगा, एक बार और क्लिक कर दीजिएगा तो हट जाएगा। मतलब इस पे क्लिक करके वापस ला सकते हो, क्लिक करके वापस हटा सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता है कि ये जो चीजें है ना, इसको नीचे तक मुझे ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग करके रिपीट करना। तो इसी में आप देखेंगे रिपीट ऑल आइटम लेवल आ रहा है, तो रिपीट ऑल आइटम लेवल आप कर दीजिएगा इस तरह से रिपीट। लेकिन मैं बीच बीच में गैप भी चाहिए, तो यहाँ यहाँ पे ब्लैंक रो है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, देखिए ब्लैंक लाइन ये ऐड हो गई, और यहाँ पे कर दीजिए रिमूव, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, ये आपका ब्लैंक हो जाएगा, इंसर्ट रिमूव हो जाएगा। दूसरा ये मुझे रिपीट भी हटाना है, तो डू नॉट रिपीट कीजिए, मुझे इसको मर्ज करना है, रिपीट नहीं करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करें? तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा मर्ज सेंट्रल विथ लेवल, ओके कीजिए, ये आपका मर्ज। अब एक चीज आनी है, जैसे प्रोडक्ट टू का ये स्टोर नंबर 3 है, प्रोडक्ट टू स्टोर नंबर 3, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो स्टोर नंबर 4 मान लीजिएगा, फिर प्रोडक्ट टू स्टोर नंबर 4 में क्या क्या बेचा है जो 5931 हो गया है, तो आप रिपोर्ट में जाके फिल्टर, डेटा में जाके फिल्टर लगाएंगे। उससे अच्छा है कि जस्ट इस पे डबल क्लिक करें। क्या करें? डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक करते ही एक नई सीट में वो डेटा आपको कॉपी पेस्ट कर, क्या कर देगा? कॉपी पेस्ट कर नई सीट में कॉपी पेस्ट हो गया। ऑटोमेटिक, अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा समझा सर, फिर से समझा दो ये। जस्ट डबल क्लिक करना है आपको, तो कुछ करना ही नहीं है, इस पर डबल अच्छा क्लिक कीजिए आ जाएगा डेटा स्टोर डबल फोर में। क्लिक करेंगे तो दूसरे शीट पे आ जाएगा। जी हाँ, जैसे आपका पिवट में आप डबल क्लिक किस पे करना है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो नहीं होगा, डबल क्लिक आपको किस पे करना है? वैल्यू पे, फिगर पे। अच्छा, फिगर पे करेंगे। हाँ, जिसके जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ प्रोडक्ट 3 स्टोर नंबर 2, तो प्रोडक्ट थ्री स्टोर हाँ नंबर 2 का डेटा फिल्टर करके कॉपी पेस्ट कर देगा, स्टोर नंबर 2 प्रोडक्ट नंबर 3। अच्छा, ये डेट में क्यों बाय डिफॉल्ट ले रहा है सर? जब भी डेटा एक्सेल को भी डेटा देता है आपको, तो इसमें देता है, टेबल में ही देता है, टेबल में लेता ठीक है।